आज का वीडियो जो है एक चैलेंज से शुरुआत होगा। तो दोस्तों ये है चैलेंज, ये है पीएम मोदी को सॉफ्ट हार्टेड से कि उनको जो है 5 साल के अंदर सारी रिवर्स को 90% तक जो है क्लीन कर देना है। और दोस्तों जो है क्यों करना है और आज का वीडियो क्यों बनाया ये भी बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों इंडिया के जो रिवर्स है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही है और जो उधर अलग अलग जो है कचरे और जो सीवर टॉयलेट का पानी भी जा रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो इसलिए बना है बस ये प्रॉब्लम जानने के लिए है। आज के वीडियो में कुछ सोल्यूशंस भी जानेंगे। और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते आज का वीडियो। तो मेरा नाम है इवान और मैं हूँ 9 साल का। तो दोस्तों जो है रिवर्स को जो है समुद्र को हमारे कंट्री में इंडिया के ना माँ बोला जाता है। तो दोस्तों माँ जो है पॉल्यूटेड हो रही है, उधर जो अलग अलग सीवर्स का टॉयलेट्स का जो पानी जा रहा है गटर का और अलग अलग जगहों का। पर दोस्तों है उसको जो है अभी अगर आप हम लोग मैं बोलूँ कि आप जो है हर दिन प्लास्टिक खाइए, तो दोस्तों चलिए अभी अगर ये चीज़ शुरुआत करनी है तो दूसरे चैप्टर पे जाते हैं। दोस्तों दूसरा चैप्टर क्या है, चलिए प्लास्टिक खाते हैं। दोस्तों ये भी चैप्टर एक चैलेंज से शुरुआत होगा। तो दोस्तों चैलेंज ये है कि आपको जो है आप एक बार में ही क्रेडिट कार्ड खा जाओगे। आप बोलोगे यार क्या पागल है क्या, क्रेडिट कार्ड कैसे खा जाऊंगा मैं, प्लास्टिक है ये तो ऐसे नहीं चलता, प्लास्टिक कैसे खा सकते। पर दोस्तों आप जो है प्लास्टिक खाते हैं बस आपको पता नहीं चलता। दोस्तों देखिए जब अपन हम लोग या फिर कोई भी इंडिया का लोग हो या फिर कोई भी इंसान, ठीक है, तो वो जब कोई भी बिस्किट का पैकेट, चिप्स का पैकेट, कोई भी पैकेट्स प्लास्टिक की चीज़ है ऐसे ही बिना सोचे नाले में फेंक देता है। जब पानी के फ्लो से धीरे धीरे चीज़ें टूटती है फिर उसके जो धीरे धीरे जो है छोटे 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 पीसेस रहते हैं, उसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं दोस्तों। तो वो नाले में रहते हैं माइक्रो प्लास्टिक, फिर जो धीरे धीरे से नाले से होकर समुद्रों में लिंक हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो मछलियों में जाते हैं, मछलियों में जाकर मछलियाँ खाती हैं उनको, फिर उसके बाद आप जो है मछली तल के वाह मस्त मस्त मछली खाते हो। पर आप बोलोगे कि मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ मेरे को कुछ प्रॉब्लम, आप सॉल्ट तो खाते हो ना, सॉल्ट नहीं खाते आप, खाते हो ना सॉल्ट। तो दोस्तों ये चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो, प्लास्टिक आपको जो है साथ में छोड़ना है। आपको लगता होगा अरे कोई भी चीज़ चलो समुद्र में फेंक दो, मेरा नाता ख़त्म, मेरे घर से चीज़ गई मेरा नाता ख़त्म। और दोस्तों जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा समझदार है, वो आपके कर्मों की सजा आपको ही वापस ला कर देता है। कर्मा मालूम है ना वो ही, तो दोस्तों वापस आपको जो है वही चीज़ रहती है। आप नाले में फेंकते हो नाले से समुद्र में जाते हैं, समुद्र से आप मछली या फिर सॉल्ट से खाते हो, आपकी हेल्थ खराब होती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अलग अलग पॉल्यूटेड रिवर्स के बारे में और उनका क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहली है यमुना। दोस्तों ये यमुना हिमालय से फ्रेश पानी तो लाती है पर दिल्ली आते आते 58% दिल्ली का जो भी सारा कचरा है ना वो सारा यमुना के अंदर चला जाता है। दोस्तों इतना ज़्यादा कचरा है वो उधर कि पूरा जो है यमुना जो इतना साफ पानी लाती थी, मतलब 1909 में 100 साल से भी ज़्यादा टाइम पहले एक बार रिसर्च हुई थी, यमुना बिल्कुल ब्लू था, जैसे आप मूवीज में देखते होंगे बिल्कुल पानी ब्लू ब्लू पानी बिल्कुल मस्त, मतलब अंदर का भी जो भी पत्थर रहते हैं अलग अलग चीज़ें रहती हैं अंदर भी समुद्र की दिख जाती है, वैसे था क्या यमुना। पर दोस्तों है अभी 58% जो है दिल्ली का सारा कचरा उधर ही जाता है और दिल्ली के लोग वो ही माइक्रो प्लास्टिक जो है खाते हैं, पीते नहीं खाते। खाते कैसे दोस्तों, क्योंकि यमुना नदी के आसपास जो खेती होती, दोस्तों खेती होती है ना तो जिधर खेती होती है ना उधर के जो भी वेजिटेबल्स रहते हैं फ्रूट्स रहते हैं वो सब बहुत ज़्यादा सस्ते रहते हैं, तो दिल्ली के लोग वो ही खरीदते हैं। पर दोस्तों ये है उससे क्या होता है, लोगों की हेल्थ खराब होती है क्योंकि जो पानी से यमुना के पानी से आता है वो तो प्रदूषित है, वो तो पॉल्यूटेड है, तो उसमें जो है लोगों की हेल्थ भी खराब हो जाती है। और आपने देखा होगा कि आजकल हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है, आजकल हमारी हेल्थ बहुत जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है। दोस्तों ये समझ लिया दोस्तों, आज अभी जानते हैं दूसरा दोस्तों बेंगलोर की लेक्स।
दोस्तों एक टाइम था जबकि बैंगलोर के मतलब अभी भी है लेक्स 800 से ज़्यादा लेक्स, पर दोस्तों पहले के टाइम पे लेक्स बिल्कुल साफ थी, अच्छी थी। पर दोस्तों है मतलब एक टाइम पे जो लेक्स का शहर बोला सिटी ऑफ लेक्स नाम दिया जाता था बेंगलुरु, पर अभी जो है उधर सारे जो भी लेक्स है जिधर जो भी सारी नदियाँ बहती है वो सब जो पोल्यूटेड जाती है, और जो सारे लेक जो ज़्यादातर पूरे जो है टॉयलेट के सीवो के पानी से जो पोल्यूटेड है, अलग अलग कचरों से माइक्रोप्लास्टिक से वो जो है पोल्यूशन का शिकार बने। तो दोस्तों ये हमने समझ लिया। अभी तीसरी जो है समुद्र है वो है गंगा। दोस्तों गंगा को हम लोग गंगा मैया बुलाते हैं। दोस्तों ये उधर गंगा मैया इसलिए बुलाते हैं क्योंकि 11 स्टेट से जो होकर आती है वो जो है कैलाश पर्वत से जो है नीचे उतरती है, उसके बाद साफ पानी लाती है, पर धीरे धीरे सारे स्टेट्स में से जो है सारी चीज़ें जो है बिल्कुल जो है ख़राब करते जाती है। और पूरी गंगा नदी जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, जिसका हम लोग पानी पीते हैं, जिसकी पानी की हम लोग पूजा करते हैं, जिसके पूजा में उनके जो गंगा मैया का जो पानी रहता है ना उसको हम लोग जो है पीते पूजा के टाइम पे। और दोस्तों जो है वो ही गंगा मैया जो है पोल्यूटेड है, और सारी नदियाँ ज़्यादातर मतलब जो भी टॉप 1000 जो भी पोल्यूटेड नदी है ना उसमें से 144 इंडिया के अंदर है, और मुंबई के अंदर स्पेशली 13 है। दोस्तों ये प्रॉब्लम्स का वीडियो नहीं है, सॉल्यूशंस का भी वीडियो है। दोस्तों सॉल्यूशन जानते हैं। दोस्तों ये है बेंगलुरु के अंदर जो है बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, और दोस्तों जो लेक मैन ऑफ इंडिया है वो भी जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक सॉल्यूशन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं कि JCB की मदद से सारा पानी सारा कचरा जो है ऊपर लिया जाता है, और जब बारिश का मौसम का वेट करते हैं, जब बारिश आती है जब जो वापस नेचर जो है वापस जो है साफ पानी आने लगता है, वापस जो है नेचर खुद को हील करने लग जाता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अच्छी चीज़। और दूसरी एक और है ओशन क्लीनअप बोट। तो उससे वो क्या है, वो उससे है एक कंपनी है जो कि जिन्होंने की एक बोट बनाई है जो कि प्लास्टिक खाती है, लिटरली प्लास्टिक खाती है और जो पॉल्यूशन को बिल्कुल रोकती है। मतलब देखिए जैसे कि वो क्या करती है, बोट का एक ऐसा रहता है मतलब ये इधर बोट है तो ये ऐसे जो है बिल्कुल बाउंड्री बना देती है, और ये समुद्र की बाउंड्री है तो ऐसे जो है बना देती है जिससे कचरा इधर उधर नहीं जाना पाता, और जो भी उधर से कचरा आ रहा है वो सब जो उधर अटक जाता है, और अटक जाता है तो उधर लाइंस बनाई जाती है, और वो धीरे धीरे JCB से जो कचरा उठा कर जो है साफ कर सकते हैं। दोस्तों थाईलैंड और जो है बड़ी बड़े मतलब जो हमारे जैसे डेवलपिंग नेशंस वो भी कर रहे हैं, वो भी उस कंपनी की हेल्प ले रहे हैं। और दोस्तों जो है वो पहली कंपनी क्या करती है कि पहले प्लास्टिक जो भी रहते जो भी कचरा रहता है उसको जो है देखती है कौन से तरीके का कचरा है, फिर उसके जो अपनी अपने हिसाब से जो बोट जो है देती है, और फिर उससे जो है हमारा इंडिया का भी बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो उससे ये वीडियो जो है आपको दो चीज़ों के लिए जो शेयर करना पड़ेगा, पहले गवर्नमेंट को जो है मैसेज पहुँचाने के लिए, और दूसरा जो है कि ओशन क्लीनअप को इंडिया में लाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो पसंद है, थैंक्स वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।